साल 2000 और 2011 के बीच में 80 साल के लियोनार्ड शार्प सिनिलोवा ड्रग कार्टल के लिए ड्रग सप्लाई करने का काम करते थे। अब क्योंकि ये 80 साल के थे और एक ट्रिप में 100 से 300 किलो कोकेन ये डिलीवर करते थे, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, इनके साथियों ने इनका नाम रखा एल टाटा। अब ऐसे बंदे जो ड्रग्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिलीवर करते थे, ऐसे लोगों को पहले या अभी भी कहा जाता है म्यूल, जिसके ऊपर हमारी ये मूवी बेस्ड है, जिसका नाम है द म्यूल। सब्सक्राइब कीजिए फीटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द म्यूल को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड ने और इसमें इन्होंने लीड रोल का भी काम किया है। अब सोचने की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड खुद अब 88 साल के हैं और अर्ल स्टोन का भी रोल किसी 80 साल के बुजुर्ग को ही निभाना था। ऊपर से क्लिंट ईस्टवुड एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है एज वेल एज डायरेक्टर भी है। एज अ डायरेक्टर इन्होंने काफी सारी हिट मूवीज दी है, जैसे कि लेटली द 1517 टू पेरिस जो कि आई 2018 में, सली जो कि आई 2016 में, और अमेरिकन स्नाइपर जो कि आई 2014 में, और ये सारी की सारी मूवीज ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी। एज एन एक्टर मैंने अनफॉर्चुनेटली इनकी सिर्फ एक ही मूवी देखी थी जिसको देख के मैं काफी इम्प्रेस हुआ था, वो थी ग्रैंड टेरिनो जो कि आई थी 2008 में। द म्यूल की स्टोरी फोकस करती है 80 साल के अर्ल स्टोन के कैरेक्टर के ऊपर। ये एक वर्ल्ड वॉर टू वॉर वेटरन रह चुके हैं और अब ये एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है, यानी कि वो इंसान जो फूलों को उगाता है और बेचता हो, मगर एक्स वाई जेड रीजंस की वजह से इनका ये कारोबार ठप पड़ जाता है और ये ब्रोक हो जाते हैं, यानी कि पैसे की तंगी हो जाती है। तभी इनको एक आदमी अप्रोच करता है और कहता है कि इनको सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक सामान डिलीवर करना है जिसके लिए इनको काफी पैसे भी मिलेंगे। अब बिना ये सोचे कि आखिर ये चीज है क्या, अर्ल इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं और इंस्टेंट इस काम में ही कामयाब हो जाते हैं, इतना कि ड्रग कार्टल्स इनको अपना मेन म्यूल बनाना चाहते हैं। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक चीज का एक अंत होता है, तो अब आखिर किस नोट पर एंड होगी ये मूवी, कुछ यही स्टोरी है इस मूवी की। तो क्या ये मूवी इतनी अच्छी है कि आपको देखनी चाहिए या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। For what it's worth, I'm sorry for everything. द म्यूल रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 2D फॉर्मेट में और ये रिलीज हुई 4 जनवरी 2019 को और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं करने को, कभी किसी चीज के बारे में हम नॉलेज लेते हैं और उसे समझते हैं, मगर कभी कोई कोई किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं लेना चाहता। फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लीजिए, जब भी कोई नया मोबाइल आता है या मैं मोबाइल लेता हूँ तो मैं उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। अब पीसी का ले लीजिए, इंटरनेट सर्फिंग का ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, मुझे इन सब फील्ड्स में काफी इंटरेस्ट है। तो आगे भी जाके, अभी आज से 20-25 साल के बाद में भी अगर मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं उन चीजों को एक्सप्लोर करूंगा। बट एक टाइम होता है जो कि शायद से अब मैं या आप लोग नहीं समझेंगे, बट एक टाइम आता है कि धीरे धीरे इस चीज से भी एक टाइम के बाद में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम होने लगता है एंड वी स्टार्ट इग्नोरिंग दिस थिंग्स। और हम सोचते हैं कि यार ठीक है ना, ये नया आया है, लेट्स इग्नोर इट। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पिताजी को ले लो, मेरे पिताजी तो कहीं ना कहीं मोबाइल में इंटरेस्ट लेते हैं। मैं अपनी मॉम का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा मोबाइल यूज कर रही है, आज भी वो सारा मोबाइल इस्तेमाल करती है, उनको सिर्फ एक ही चीज करना है मोबाइल से, फोन करना है, फोन रिसीव करना है, दैट्स इट। मैं कितना भी उनको कोशिश करता हूँ समझाने की कि यू नो ये मोबाइल यूज करो, ये ऐसा फीचर है, शी सिंपली सेज वन थिंग कि बॉस मुझे नहीं करना है, मुझे खाली फोन करना है, फोन रिसीव करना है, दैट्स इट, ये दुनिया भर का व्हाट्सएप ये सब मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज शी डजंट हैव एन इंटरेस्ट। उनको इंटरेस्ट लेना ही नहीं है, उनको समझना ही नहीं है। सो देर आर लाइक फॉर एग्जाम्पल टू काइंड ऑफ पीपल, एक जो समझते हैं वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक जो वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालना नहीं चाहते और जस्ट इग्नोर करते हैं वो चीजें और उसके बगैर किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ कैरी ऑन करते हैं। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे इस मूवी का जो लीड कैरेक्टर है उसकी मेंटालिटी भी कुछ ऐसे ही है, वो अपने आप को नए जमाने के हिसाब से ढालना नहीं चाहते। ये 80 साल के हो गए हैं, इनको इंटरनेट नहीं समझना, इनको नहीं जानना कि मोबाइल कैसे काम करता है, ये अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखते, ना ही अपने एनिवर्सरी पे वाइफ से मिलते हैं और ना ही अपनी बेटी की शादी में भी जाते हैं, ये सिर्फ अपने फूलों के साथ और अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं और तब तक करते हैं जब तक ये बैंकरप्ट नहीं हो जाते। स्टार्टिंग में हमें अर्ल के लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया कि वो कितने मुफट है, फनी है, यहाँ तक कि उनके पर्सनल रिलेशंस उनके वाइफ और परिवार के साथ भी अच्छे नहीं है, बट स्टिल इनके अंदर वो एक चार्म है कि
काफी टाइम के बाद में भी अगर इनका रिलेशन ठीक नहीं होता और ये बाद में जाके मिलते हैं तो किसी न किसी तरीके से एक्स वाई जेड रीजन से ये अपने परिवार वालों को मना लेते हैं। और ये बात सिर्फ इनके परिवार वालों तक लिमिटेड नहीं है, ये जिस किसी भी नए बंदे से मिलते हैं किसी न किसी तरीके से अपने चार्म से वो उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। मूवी में अर्ल का उनके पोती के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया गया है। अगेन इनकी पोती ही वो कारण होती है जिसकी वजह से ये अपने परिवार से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। हम अर्ल को ड्रग्स से रिलेटेड काफी लोगों से इंटरैक्ट करते हुए देखते हैं, जहां पर एक टाइम पर वो लोग अर्ल से ढंग से बात नहीं करते होते, मगर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो लोग इनसे रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। आई मीन लाइक अच्छे से बात करना तो दूर की बात हो गई है, काफी रेस्पेक्ट से उनसे बात करते हैं। तो कुछ इस तरह का चार्म था अर्ल के अंदर कि वो किसी को भी मना लेते थे। मूवी का सबसे अच्छा बात यह है कि ये कैरेक्टर जो था ये 80 साल का था एक्चुअल लाइफ में, और हमारे क्लिंट ईस्टवुड भी 88 साल के हैं। तो इन्होंने उस तरीके की एक्टिंग की है जिस तरीके की 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी करेगा। अब मुझे नहीं पता कि क्लिंट ईस्टवुड ने यह एक्टिंग की है या क्लिंट ईस्टवुड की हालत वैसी है कि एक्टिंग अपने आप निकली, देयर आई वाज कंफ्यूज्ड। बट कीपिंग दैट असाइड, अगर उन्होंने एक्टिंग की है तो लाजवाब एक्टिंग की है। आई मीन लाइक धीरे धीरे से बात करना एक बुजुर्ग का, धीरे धीरे चलना, चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होना और नई नई चीजों से फ्रस्ट्रेट होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लिंट ईस्टवुड ने बखूबी निभाई है। मूवी में हमें ब्रैडली कूपर और माइकल पिन्या भी देखने को मिलते हैं एज डीई एजेंट्स। टैसा फार्मिगा ने काम किया है क्लिंट ईस्टवुड की पोती का, यानी कि अर्ल की पोती का, जी हाँ वही नन वाली कैरेक्टर। और हमें मूवी में लॉरेंस फिशबर्न भी देखने को मिलते हैं अगेन एज अ डीई एजेंट। मूवी में थोड़े बहुत ड्रग लॉर्ड्स और ड्रग कार्टल्स को भी दिखाया गया है कि उन लोगों के बीच में कैसे टेंशन होती है कहीं ना कहीं अर्ल को भी लेकर, वो तो हम देखते ही हैं, मगर उन लोगों का एक हैंडलर होता है, यानी कि अर्ल का एक हैंडलर होता है जो कि इनको ये सिखाना चाहता है कि बॉस आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और यहाँ वहां नहीं भटकना है वरना प्रॉब्लम हो सकता है। स्टार्टिंग में वो अर्ल से मतलब बहुत बदतमीजी से बात करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जैसा कि मैंने बताया अर्ल के अंदर वो चार्म होता है, वो किसी ना किसी तरह इस हैंडलर की भी माइंड को यानी कि उनकी सोच को बदल देते हैं और एक पल पे आकर इनका उस हैंडलर के साथ में भी कुछ अच्छा जमने लगता है। बट एक जो चीज नहीं अच्छी लगी वो ये कि ये हैंडलर एक पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका इस मूवी में, बट अचानक से इंटरवल के बाद में थोड़े बहुत सीन्स के बाद में वो बंदा गायब ही हो जाता है मूवी में। पूरे मूवी में हमें वो फिर दोबारा देखने को ही नहीं मिलता। दैट्स व्हाट आई वाज डिसअपॉइंटेड। आई मीन लाइक काफी अच्छी यू नो एक कॉम्बिनेशन बन गया था इन दोनों का, एंड आई वाज रियली लाइकिंग कि ये जब दोनों स्क्रीन पे आते थे, बात करते थे, इंटरेक्ट करते थे, काफी अच्छा लग रहा था। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो कैरेक्टर चला जाता है, सो दैट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटिंग इन द मूवी। ओवरऑल कहूं तो ये मूवी ड्रग बिजनेस पे तो फोकस करती ही है, मगर मेनली फोकस करती है अर्ल और उनके परिवार के ऊपर कि कैसे उन्होंने काम 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 के चक्कर में अपने परिवार को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब वो ऐसा वक्त था जो चाहकर भी अर्ल वापस नहीं पा सकते। मूवी में ये सब स्ट्रॉन्ग इमोशंस तो है ही है, उसके साथ साथ डायरेक्टर यानी कि क्लिंट ईस्टवुड ने ये भी ध्यान दिया है कि ह्यूमर से और इमोशन से इस मूवी को बैलेंस रखा जाए, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा खास नहीं होने के बावजूद भी ये मूवी आपका इंटरेस्ट बनाकर रखती है। यानी कि सच कहूं तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट इंटरवल के पहले ऑलमोस्ट हर एक डायलॉग्स पे यानी कि अर्ल के हर एक डायलॉग्स पे मैं हंसे जा रहा था। आई मीन लाइक मैं अपने फ्रेंड के साथ में भी था, हम दोनों हंसे जा रहे थे। मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग्स, वो कम बोलते थे वो क्योंकि बुजुर्ग थे, लेकिन जब भी बोलते थे मैं हंस पड़ता था। सो इन दी एंड दिस मूवी वॉज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर, इमोशंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट कि आखिरकार एंड में क्या होगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 out of 10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी द म्यूल का। अगर आपको हमारे मूवी रिव्यूज और अपडेट्स अच्छे लगते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहें, तो प्लीज सपोर्ट अस बाय हेल्पिंग अस विद एनी अमाउंट यू कैन। आप हमें पेटीएम से, यूपीआई से या पेपाल से भी पेमेंट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, सो प्लीज सपोर्ट अस एंड हेल्प अस ग्रो। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।